हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सितेश कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये आपके कॉस्ट अकाउंटिंग फर्स्ट पेपर का पांचवा पार्ट है, जिसमें आपको मैं 40 एमसीक्यूज क्वेश्चन ओवरहेड्स एंड मशीनरी हावर्स रेट से रिलेटेड बताऊंगा। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ये लास्ट पार्ट है आपका, और आगे का जो भी अपलोड होगा वो सेकेंड पेपर का अपलोड होगा, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो और भी अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। और फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 139 है, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एज ए परसेंटेज ऑफ, ए है डायरेक्ट मटेरियल्स, बी है डायरेक्ट वेजेज, सी है फैक्ट्री कॉस्ट और डी है प्राइम कॉस्ट। तो फ्रेंड्स, आपके जो सही ऑप्शन है वो है बी, डायरेक्ट वेजेज। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 140 है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एज ए परसेंटेज ऑफ, तो ए है आपका डायरेक्ट मटेरियल्स, बी है डायरेक्ट वेजेस, सी है फैक्ट्री कॉस्ट, डी है प्राइम कॉस्ट। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वह है फैक्ट्री कॉस्ट, सी वाला ऑप्शन सही है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एज ए परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। अगला क्वेश्चन है, ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर अब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ए है परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस, बी है परसेंटेज ऑन वर्क कॉस्ट और सी है रेट पर यूनिट और डी है नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, आपका बी वाला ऑप्शन सही है, परसेंटेज ऑन वर्क कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर अब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑन वर्क कॉस्ट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 143 है, डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन एंड एक्सपेंसेस फॉर अ पार्ट ऑफ, ए प्रोडक्शन ओवरहेड्स, बी है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सी है सेलिंग ओवरहेड्स और डी है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन एंड एक्सपेंसेस फॉर अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, बी वाला ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 144 है, अंडर मशीन हावर रेट मेथड मशीन इज ट्रीटेड एज, ए यूनिट कॉस्ट, बी है अ कॉस्ट सेंटर, सी है सर्विस डिपार्टमेंट, डी है नॉन ऑफ दिस। तो आपका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है मशीन हावर्स रेट मेथड मशीन इज ट्रीटेड एज अ कॉस्ट सेंटर, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 145 है, मशीन हावर रेट मेथड इज द मेथड ऑफ अब्सॉर्प्शन ऑफ, ए है फैक्ट्री ओवरहेड्स, बी है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सी है सेलिंग ओवरहेड्स, डी है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, मशीन हावर रेट मेथड इज द मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, ए वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है कि इन कंप्यूटेशन ऑफ मशीन हावर रेट लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस इज ए पोर्शन ऑफ, का ए वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, इन द रेशियो ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड ऑन वेरियस मशीन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 147 है, इन कंप्यूटेशन ऑफ मशीन हावर रेट रेंट टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस आर अपोर्शनड ऑफ, तो ए है इन द रेशियो ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ईच मशीन, बी है इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वर्क एम्प्लॉयड ऑन वेरियस मशीन और सी है आपका नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, आपका जो सही ऑप्शन है वो है ए, इन द रेशियो ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ईच मशीन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 148 है, मशीन हावर रेट मेथड इज यूज्ड इन, तो ए है मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, बी है लेबर बेस्ड इंडस्ट्रीज, सी है बोथ ऑफ एबव और डी है नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, ए वाला ऑप्शन सही है आपका, मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 149 है, बैड डेब्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, ए प्रोडक्शन ओवरहेड्स, बी है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सी है सेलिंग ओवरहेड्स और डी है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं बैड डेब्ट जो होता है कब जनरेट होता है, जब हम क्रेडिट सेल करते हैं, और क्रेडिट सेल क्यों करते हैं, सेलिंग को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। तो कहीं ना कहीं सेलिंग को इंक्रीज करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो किससे रिलेटेड होता है भाई, तो सेलिंग ओवरहेड से रिलेटेड होता है। तो सी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150 है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एलोकेट
कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो। तो ए है परचेजेस, बी है कैश, सी है टाइम और डी है सेल्स। तो फ्रेंड्स एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी सेलिंग को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, तो डी वाला ऑप्शन सही है भाई, सेल्स, ठीक है, सेल्स रेशियो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 151 है, सैलरी ऑफ अ फोरमैन शुड बी क्लासिफाइड एज। ए है फिक्स्ड ओवरहेड्स, बी है वेरिएबल ओवरहेड्स, सी है सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स और डी है नॉन ऑफ द एबव। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। सैलरी ऑफ अ फोरमैन शुड बी क्लासिफाइड एज सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 152 है, द अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम्स ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट्स इज कॉल्ड। ए है कॉस्ट अपोर्शनमेंट, बी है कॉस्ट एलोकेशन, सी है ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन और डी है नॉन ऑफ द एबव। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, कॉस्ट एलोकेशन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 153 है, व्हेन द एक्चुअल ओवरहेड्स आर मोर देन द एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स इट इज कॉल्ड। तो ए है ओवर एब्जॉर्प्शन, बी है अंडर एब्जॉर्प्शन, सी है कैपेसिटी कॉस्ट और डी है नॉन ऑफ दिस। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है, अंडर एब्जॉर्प्शन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 154 है, वेयर हाउस एक्सपेंसेस इज एन एग्जांपल ऑफ ए प्रोडक्शन ओवरहेड्स, बी है सेलिंग ओवरहेड्स, सी है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स और डी है नॉन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स आपका जो सही ऑप्शन है वह है सी, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। वेयर हाउस एक्सपेंसेस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 155, कैरिज इनवर्ड इज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, ए है सेल्स, बी है कैश, सी है टाइम और डी है परचेजेस। फ्रेंड्स आपको बता दें कि कैरिज इनवर्ड जो होता है ना परचेज से रिलेटेड होता है, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 156 है, इफ एन आइटम ऑफ ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर्स चार्ज स्पेसिफिकली टू अ सिंगल डिपार्टमेंट वुड बी एन एग्जांपल ऑफ, ए है एलोकेशन, बी है अपोर्शनमेंट और सी है रिपोर्शनमेंट और डी है एब्जॉर्प्शन। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही है भाई, एलोकेशन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 157 है, इज नॉट इंक्लूड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो इसमें से कौन सा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ए है सैलरीज ऑफ ऑफिस स्टाफ, बी है टेलीफोन चार्जेज, सी है ऑफिस एक्सपेंसेज और डी है सैलरी ऑफ फोरमैन। तो फ्रेंड्स आपको बता दें डी वाला ऑप्शन सही है, सैलरीज ऑफ फोरमैन, ये जो है फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड है, यानी वर्क कॉस्ट के अंतर्गत आएगा, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का पार्ट नहीं है, ये फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 158 है, द पेमेंट टू डायरेक्ट लेबर फॉर्म पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स। कह रहा है कि द पेमेंट टू डायरेक्ट लेबर्स फ्रॉम पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स। तो ए है प्राइम कॉस्ट, बी है ओवरहेड्स, सी है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स और डी है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल्स, ये जो भी होता है तो ये प्राइम कॉस्ट के अंतर्गत आते हैं। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 159 है, एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोडक्शन ओवरहेड्स वुड बी, एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोडक्शन ओवरहेड्स वुड बी। तो ए है मटेरियल, बी है रेंट, सी है लेबर कॉस्ट और डी है सुपरवाइजरी कॉस्ट। तो आपका यहां पर जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वह है डी, सुपरवाइजरी कॉस्ट, ये प्रोडक्शन ओवरहेड से रिलेटेड होता है। फैक्ट्री कॉस्ट दैट इज इजीली ट्रेसेबल टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज, ए है डायरेक्ट कॉस्ट, बी है इनडायरेक्ट कॉस्ट, सी है डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट और डी है फिक्स्ड कॉस्ट। तो फ्रेंड्स यहां पे कह रहा है कि अ कॉस्ट दैट इज इजीली ट्रेसेबल, मतलब हम आसानी से उसको ट्रेस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कितनी मात्रा में और यूज हुआ है, तो हम इसको जानते हैं कैसे, तो डायरेक्ट कॉस्ट के नाम से जानते हैं, जैसे आपका रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 163, अ कॉस्ट दैट चेंजेस इन टोटल डॉलर अमाउंट विद द चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी इज नोन एज।
तो ये है डायरेक्ट कॉस्ट, बी है इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट, और ये फिक्स्ड कॉस्ट। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, वेरिएबल कॉस्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट लेबर। तो इसमें से किसको हम इनडायरेक्ट लेबर ट्रीट करते हैं? तो ये है आइडियल टाइम, बी है ओवर टाइम प्रीमियम, सी है फ्रिंग बेनिफिट, और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो आपका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वह है डी ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165 है, विच डेफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब्स इनडायरेक्ट कॉस्ट। ए इनडायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर नॉट कंट्रोल्ड डायरेक्टली बाय अ मैनेजर। बी है डायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, और सी है इनडायरेक्ट कॉस्ट आर ऑलवेज फिक्स। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ए है कॉस्ट एस्टिमेशन, बी है कॉस्टिंग, सी है बो। 68 है, इन सिनेमा हॉल कंपोजिट कॉस्ट यूनिट इज। ए है सीट पर सो, बी है कॉस्ट ऑफ स्क्रीनिंग, सी है सैलरी ऑफ स्टाफ, और डी है रेंट ऑफ सिनेमा हॉल। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, अ सीट पर शो। ठीक है, इन सिनेमा हॉल्स कंपोजिट कॉस्ट यूनिट इज अ सीट पर शो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169 है, द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एट विच सेपरेट प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिफाइड इज नोन एज। ए है प्रोसेसिंग प्रोसेस कॉस्टिंग, बी है रिजर्व कॉस्ट मेथड, और सी है सब्सिक्वेंट कॉस्ट, और डी है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें जो होता है हम हर स्टेज में आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रोडक्ट को सेपरेटली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170 है, व्हाट आइटम्स इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। ए है प्रोडक्ट कॉस्टिंग, बी है प्रॉफिट शेयरिंग, सी है प्लानिंग, डी है कंट्रोलिंग। तो बी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, प्रॉफिट शेयरिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171 है, अ टोटल ऑफ ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज। तो हम सभी डायरेक्ट कॉस्ट को अगर जोड़ देते हैं तो हम उसको किस नाम से जानेंगे? तो यह है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बी है कॉस्ट ऑफ सेल्स, सी है प्राइम कॉस्ट, और डी है वर्क कॉस्ट। तो फ्रेंड्स टोटल ऑफ ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। सी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, मूल लागत। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 172, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स। ए है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, बी है लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, सी है कंज्यूमेबल स्टोर्स, डी है चार्जेबल एक्सपेंसेस। तो आपका डी वाला ऑप्शन सी है फ्रेंड्स, चार्जेबल एक्सपेंसेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173 है, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स एलोकेटेड टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और कॉस्ट सेंटर ओवर द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड। तो आपका ए है एलोकेशन, बी है अपोर्शनमेंट, सी है एब्जॉर्प्शन, डी है डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो आपका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है सी एब्जॉर्प्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174 है, द ओवरहेड कॉस्ट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। तो ए है मैन हावर्स रेट इनटू मैन हावर्स स्पेंट ऑन दैट जॉब, बी है आपका मैन हावर्स रेट अब्लिक मैन हावर्स स्पेंट ऑन दैट जॉब, और सी है आपका मैन हावर्स रेट प्लस मैन हावर्स स्पेंट ऑन दैट जॉब, और डी है आपका मैन हावर्स रेट माइनस मैन हावर्स स्पेंट ऑन दैट जॉब। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, मैन हावर्स रेट इनटू मैन हावर्स स्पेंट ऑन दैट जॉब। ठीक है, ओवरहेड्स कॉस्ट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब इज इक्वल टू मैन हावर्स रेट इनटू मैन हावर्स स्पेंट ऑन दैट जॉब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175 है, कह रहा है कि द फॉलोइंग मेथड इज एन इंप्रूवमेंट ओवर दैट परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड। ए है मशीन हावर्स रेट, बी है परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट, और सी है परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और डी है मैन हावर्स रेट। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, मैन हावर्स रेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176 है, एन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज यूज्ड टू ए शेयर आउट कॉमन कॉस्ट ओवर बेनिफिटिंग कॉस्ट सेंटर, और ए है फाइंड द टोटल ओवरहेड्स फॉर अ कॉस्ट सेंटर, और सी है चार्ज ओवरहेड्स टू प्रोडक्ट, और डी है कंट्रोल ओवरहेड्स। तो
तो फ्रेंड्स आपका सी वाला ऑप्शन सही है, चार्ज ओवरहेड्स टू प्रोडक्ट्स, एंड ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट इज यूज टू चार्ज ओवरहेड्स टू प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 177 है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट इज लाइकली टू हैव लीस्ट कंट्रोल। तो यह मशीन ब्रेकडाउन कॉस्ट, बी है वेजेस कॉस्ट, सी है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, और डी है बिल्डिंग इंश्योरेंस कॉस्ट। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, मशीन ब्रेकडाउन कॉस्ट। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन यही पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।